हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आज हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। और इसकी प्रोग्रामिंग हमने सी लैंग्वेज में पहले भी की है, लेकिन वो हमने किया था टर्बो आईडी पर। इस बार हम कोड ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T माने टाइम अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता है। इसी को इंप्लीमेंट करना है हमको किसमें, कोड ब्लॉक्स पर सी लैंग्वेज में। तो चलिए ये करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर कोड ब्लॉक्स मैं ओपन करता हूं, यहां पे कोड ब्लॉक्स आ गया, और यहां पर इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये ओपन भी हो जाएगा, ये ओपन हो गया। अब यहां पर एम्प्टी फाइल मैं ले लेता हूं, यहां पर हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, ये कर लिया हमने। और फिर यहां पर मेन फंक्शन बनाता हूं, तो यहां लिखा मैंने मेन, एंटर प्रेस किया, नीचे आए। यहां पर क्या लगाना है आपको, प्रिंट एफ लगाना है, क्योंकि प्रिंट एफ में ही वो चीज आप लिखेंगे जो यूजर को स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। तो स्क्रीन पर क्या दिखाई पड़ेगा, एंटर The एंड टाइम, ये यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर लगा लेता हूं स्कैन एफ, ठीक है, और परसेंट डी। परसेंट डी क्यों लिखेंगे, परसेंट डी तब लिखेंगे जब हम इंटीजर लेंगे, अभी तो हमने कोई वेरिएबल लिया ही नहीं है। तो यहां पर अब वेरिएबल बनाने की बारी, तो यहां पर नीचे आएंगे और यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल आप बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं फ्लोट टाइप का बना रहा हूं। हो सकता है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो पॉइंट में आए, तो इसीलिए फ्लोट टाइप का बना रहा हूं। एक पहला वेरिएबल बना लेता हूं पी नाम से, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, दूसरा वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर नाम से, और तीसरा वेरिएबल टी नाम से, टी के लिए, टी नाम से बना रहा हूं टाइम के लिए, और चौथा वेरिएबल इन सबका जो एसआई आएगा वो इसमें जाकर के स्टोर होगा। तो ये चौथा वेरिएबल भी हमने बना लिया। अब यहां पर लिखता हूं परसेंट एफ, परसेंट एफ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फ्लोट ले लिया, अगर इंटीजर लेता तो परसेंट डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट परसेंट एफ में आके स्टोर होगा, ठीक है, और फिर परसेंट एफ जो दूसरा वाला लिखा हमने इसमें आकर स्टोर होगा, क्या इसमें आकर स्टोर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर परसेंट एफ तीसरा जो परसेंट एफ है उसमें टाइम स्टोर होगा, क्लोज किया, कॉमा दिया। यहां पर कर देंगे हम एड्रेस ऑफ, क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ पी कॉमा एड्रेस ऑफ आर कॉमा एड्रेस ऑफ टी, ये लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद इसे टर्मिनेट कर देंगे और फिर यहां पर इसको डिफाइन करेंगे, सी इज इक्वल टू, सॉरी एस आई इज इक्वल टू, यहां पे देंगे हम पी इंटू आर इंटू, अब एक चीज और रह गया है टी, तो यहां पर टी कर देता हूं अपॉन 100, ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर देता हूं। और फिर यहां पर प्रिंट एफ लिखता हूं, अब ये सही हो गया। अब यहां पर इसको सेव कर लेता हूं, फिर इसको कंपाइल करवाता हूं, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। और यहां पर रन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट ऐड यहां पे एंटर करना है, ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब यहां पे मान लीजिए 100 रुपए पे पहले निकालते हैं, तो देखिए 100 रुपए पर 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल के लिए अगर हम ले रहे हैं, एक महीने का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर कितने रुपए आएगा, 1 रुपए आएगा, 1% के हिसाब से 1 ही रुपए आएगा, क्लियर है ना, 1% के हिसाब से 1 ही रुपए कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूं। फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए, ठीक है, तो यहां पे 100 रुपए हमने किया, ये लिख दिया 100 रुपए, और फिर गुणा किया इसमें कितने का, एक महीने के लिए हमें करना है, तो ये एक कर दिया हमने, और टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक है और टाइम कितना है, एक है, ठीक है, यानी एक महीने के लिए। तो यहां इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक में एक का गुणा होगा एक होगा, और 100 में एक का गुणा एक ही होता है, ये तो पता ही है आपको, यहां पर एक जीरो से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा, ठीक है, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, यहां पे एक से एक कट जाएगा तो यहां पे आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, एक से एक बार में एक कटेगा तो आंसर 1 आएगा, दैट्स वाई यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आप देख सकते हैं जब भी हम इसको रन कराएंगे। और अब यहां पर हमें इसको रन करवाना है, ठीक है, अब देखिए 200 पे देख रहा हूं, तो 200 पे 2 रुपए आएगा, देखिए ये है 200 रुपए आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक महीने का कितना आएगा,
तो यहां पे देखिए 2 रुपए आ रहा है, क्लियर है ना। अब अगर इसी चीज को बड़े अमाउंट में लेकर के करेंगे तो क्या होगा, यहां पर फिर इसको रन करवाता हूं। अब मान लीजिए 10,000 का ले रहे हैं, तो यहां पे 10,000 ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब 10,000 एक महीने का निकाल रहा हूं, ठीक है, एक महीने का कितना आएगा 1% के हिसाब से, ठीक है, तो यहां पे 100 रुपए आ रहा है, क्लियर है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।